उत्तर प्रदेश के सहारनपुर स्थित देश की इस्लामिक संस्था दारुल उलूम देवबंद ने गजवाए हिंद को मान्यता देने वाला एक फतवा जारी किया है। इस फतवे के पीछे का उद्देश्य और कुछ नहीं बल्कि भारत देश को इस्लामिक देश बनाने का एक षड्यंत्र है। बताया जा रहा है कि इस्लामिक संस्था ने एक फतवा एक वेबसाइट के माध्यम से जारी किया है, जिसके बाद आयोग ने जिला प्रशासन से मामले की जांच पड़ताल कर वेबसाइट को ब्लॉक करने का अनुरोध किया है। बता दें कि इस वेबसाइट के जरिए गजवाए हिंद की तारीफों के पुल बांधे गए हैं, जिसमें कहा गया है कि गजवाए हिंद में मरने वाले महान बलिदानी होते हैं, जिस पर एक्शन लेते हुए राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने इस फतवे को देश विरोधी बताते हुए सहारनपुर डीएम और एसएसपी से एफआईआर दर्ज कराने का अनुरोध किया है। सुनिए इस मामले में डीएम ने क्या कहा। एनसीपीसी के एक पत्र आया है जिसमें निर्देश दिया गया है कि दारुल उलूम के द्वारा जो फतवा दिया गया है उसके संबंध में कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया गया है। उसके क्रम में एसडीएम देवबंद और सीओ देवबंद की टीम वहां मौके पर गई है और जो निर्देश है उसको परीक्षण कर कार्रवाई की जाएगी। दरअसल बात ऐसी है कि किसी ने दारुल उलूम देवबंद से गजवाए हिंद को लेकर ऑनलाइन जानकारी मांगी थी। इसमें पूछा गया था कि क्या हदीस में इसका कोई जिक्र है, जिसके जवाब में दारुल उलूम देवबंद ने साहिस्ता की पुस्तक सुनन अल नसाई का हवाला देते हुए कहा कि इसमें गजवाए हिंद को लेकर एक पूरा अध्याय है। फतवे में आगे कहा गया कि इसमें पैगंबर मोहम्मद के करीबी रहे हजरत अबू हुरैरा के हवाले से एक हदीस सुनाई गई है। इसमें उन्होंने गजवाए हिंद पर कहा कि मैं इसमें लड़ूंगा और अपनी सभी धन संपदा को इस पे कुर्बान कर दूंगा, मर गया तो महान बलिदानी बनूंगा, जिंदा रहा तो गाजी कहलाऊंगा।